हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम डी ऑफिशियल और मैं हूं ब्लैक्स आउट। तो आज होने वाला है एक और दोबारा से बेहतरीन मैच इन दोनों स्क्वाड के बीच में। पिछली बार थोड़ी सी साजिशें बाकी रह गई थी जनाब नेप्रोच की तरफ से। तो बात करें दोबारा से चैलेंज आ चुका है नेप्रोच की तरफ से, तो इस बार फिर से टीम डी वर्सेस नेप्रोच होने वाला है। फ्रेंडली कस्टम दूसरा मैच इन दोनों के बीच में। पहला मैच टीम डी बखूबी जीत गई थी 7-5, 7-6 के समथिंग से, कुछ पीछे से आ चुका है मॉकिंग बर्ड को अच्छा खासा डैमेज। तो 4-on-4 सिचुएशन दोनों तरफ, देखते हैं कैसे खेलेंगे। मॉकिंग बर्ड खुद लीडर आए हैं नेप्रोच की तरफ से, साथ के साथ इस बार चेंजेस तमिश्वर को लाया गया है, साथ के साथ कश्यप 777 आए हैं और नरूटो कुन। तो दो बंदे चेंज इस बार नेप्रोच की तरफ से। वहीं बात करें तो टीम डी की तरफ से भी बंदे चेंज, ए डी रॉकर, जी हाँ, न्यू रिक्रूट टीम डी के जो सीएस खेलने वाले हैं, और साथ के साथ डी आरएनएस, डी नाइटमेयर और डी याही। तो ये है टीम डी की स्क्वाड। तो बैटल देखते हैं कैसा होगा। देखते में ही एक बंदे को नॉक ले लिया गया है। स्टार्टिंग में प्रेशर की घड़ी आ चुकी है टीम डी की स्क्वाड पे। अब पीछे से तमिश्वर आ चुके हैं और ले चुके हैं बंदे को, मैंने देखा खड़ा होकर हेड मारते हुए और काफी अच्छा पहली राउंड से डोमिनेट परफॉर्म करते हुए। और यहाँ पे बात करें मॉकिंग वर्ड, फिर से यहाँ पे यही पे भारी पड़ते हुए 1-on-1 सिचुएशन हो गई। अकेले नाइटमेयर, देखते हैं क्या करेंगे। एक के सामने तीन बंदों की तगड़ी चौगड़। और यहाँ पे बात करें 1-on-4 सिचुएशन हो गई है, तमिश्वर, मॉकिंग वर्ड, कश्यप और नरूटो कुन 1-on-4। देखते हैं क्या कर पाते हैं नेप्रोच के बेहतरीन स्क्वाड आप सबके सामने बैटल करते हुए। नेप्रोच के सामने टीम डी यहाँ पे नाइटमेयर के तरह नाइटमेयर पूरा होल्ड करके खेल रहे हैं और सामने से मिल चुकी है इनको ग्लू बॉल। तो बंदे को देखा अच्छा खासा ट्राई करने का और अच्छा खासा ट्राई किया है डैमेज देने को बंदे को, दूसरी तरफ से आया अच्छा खासा सीधा लाल मारा है और कंप्लीट कर देंगे, किल ले लेंगे यहाँ पे। 1-on-3 डैमेज खा लिया 100 का और यहाँ से बॉल लगा लिया। बंदा आया मुंह पे, बॉल लगाई उससे पहले और बंदे ने मुंह पे सीधा हेड मारा और 1-0 से लीड में नेप्रोज। सेकेंड राउंड कटॉल स्टीवा का राउंड और पहले ही राउंड से नेप्रोज ने ले लिया लीड। तो देखने वाली बात होगी कैसा बैटल होने वाला है टीम डी बनाम नेप्रोज। हो तो अब फिर से आप सबके सामने, पहला मैच बहुत बेहतरीन हुआ था इन दोनों के बीच में, तो अब एक और मैच इनके बीच में डिसाइड हुआ है जिसमें कि फिर से मॉकिंग वर्ड खुद लीड करने के लिए आए। 78 लेवल बंदे का, लेवल देख के बंदे सामने हिल जाए। 78 लेवल बहुत भारी भरकम लेवल होता है क्योंकि लेवल ही फेंक के मार दोगे बंदे में तो बंदा मर जाएगा भाई, इतना भारी भरकम लेवल। और सामने है पूरी स्क्वाड टीम डी की, आरएनएस पूरा होल्ड करके खेल रहे हैं, इनका भी 76 लेवल। और साथ ही साथ बात करें सामने से बंदा आया तमेश्वर, आए डैमेज दिया 100 का डैमेज दे दिया बंदे को ऑलमोस्ट। और यहाँ पे बात करें 2 शॉट में नॉक हो जाएंगे 2 शॉट में, और भाई 100 से ज्यादा हेल्थ अभी भी। बात करें 4-on-4 सिचुएशन, यहाँ पे रॉकेट हेलमेट वेस्ट नहीं है टीम डी के बंदों के पास, हेलमेट वेस्ट नहीं है क्योंकि पहला राउंड हारे हैं। तो उसके बाद भाई कुछ ना कुछ तो खत्म आ जाए भुगतना पड़ जाता है जनाब। यहाँ पे बात करें 4-on-4 सिचुएशन, ऊपर बंदा चढ़ा है और लाल मार दिया पूरा पूरा, बंदे की हेल्थ बिल्कुल 50 की और यहाँ पे 40 की हेल्थ बची है, 40 की हेल्थ, बंदा अपने आप को कवर करते हुए। यहाँ पे बात करें डी आई की तरह, डी आई कंटिन्यू इधर से प्रेशर बना रहे हैं। तो इनके आसपास भी बंदे पूरे टीम डी के एक साथ हो चुके हैं, एक साथ यूनाइट हो चुके हैं। तो यहाँ पे नेप्रोच की स्क्वाड पीछे से आ रही है पूरी पूरी नेप्रोच, और तमिश्वर का हेलमेट गायब, हेलमेट गायब है, बंदे की हेल्थ 10 की। अगर यहाँ पे रस मारेंगे नहीं देखने वाली बात होगी क्योंकि बंदे को इतना लाल कर दिया कि बंदा रस नहीं मार सकता। यहाँ पे बात करें कश्यप को ले लिया गया नॉक। तो मॉकिंग वर्ड बड़े दिमाग लगा के खेलते हैं, मैंने इनका गेम प्ले नोटिस किया तो बंदा पूरा दिमाग माइंड सेट सब कुछ झोंक के खेलता है गेम के अंदर, और यहाँ पे वही परफॉर्म करते हुए तभी निकाल पाते हैं अच्छे खासा किल और डैमेज और गेम अपना। फिर भी 4 सिचुएशन आ खड़ी हुई है। और मॉकिंग वर्ड की बात करें तो एक्सपीरियंस की कमी नहीं है बंदे के पास, 78 लेवल, तो उसी को झोंकते हैं पूरा का पूरा गेम के अंदर, उसका ही पूरा गेम दिखाते हैं नेक्स्ट लेवल। और यहाँ पे ऊपर से डी आई आ चुके हैं कूद काट के, और वहीं बात करें तो नाइट में नीचे होल्ड करके खेल रहे हैं। और यहाँ पे बात करें मॉकिंग वर्ड अभी भी घर के अंदर बने हुए हैं, और यहाँ बात करें तो रॉकेट पीछे की तरफ और आरएनएस दोनों सेम कपड़ों में है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होती है। और यहाँ पे एक और बंदा नॉकआउट हुआ तो मॉकिंग वर्ड जो नहीं मर चुके हैं, हेडशॉट आ गया आरएनएस का, नरूटो कुन सामने से बंदा है और हेडशॉट, भाई कौन ने मारा है हेडशॉट, बड़ा गंदा ही हेड मारा है यहाँ पे। तो यहाँ पे रॉकर की डबल किल, दोनों हेडशॉट शॉट हुई यहाँ पे, खाता खुला डबल किल के साथ। थर्ड राउंड स्टार्ट हो चुका है जो कि बना मिल के अंदर, और यहाँ पे टीम डी ने वापसी कर लिया, एक से इक्वल मैच हो चुका है। और मॉकिंग वर्ड के हाथों में लाल एके, तो लाल एके से समझ लो जनाब क्या होने वाला है, सामने वाले बंदे को लाल करने वाले हैं, सीधा हेड पे खेलने वाले हैं। मॉकिंग वर्ड की बात करें तो रॉकेट 2 किल के साथ टीम डी का ओवर तक चमकता एक नया सितारा। और यहाँ पे बात करें दोनों तरफ एक एक राउंड ईच हो चुका है, कौन सी टीम इस राउंड के अंदर लीड लेने वाली है देखने वाली बात होगी। और आरएनएस ने अच्छा खासा डैमेज दिया और कितना दूर हेडशॉट मारे बंदे की हेल्थ बिल्कुल 70-80 की, और काफी अच्छा गेम निकालते हैं। बात करें तमेश्वर अपने आपको हील करेंगे पूरा दोनों मैडी लगा लिया, रस होगा कि इनके पास एक के इनके पास मॉकिंग वर्ड के पास एक, तो शॉर्ट रेंज में काफी कमजोर नजर आ सकती है यहाँ पे नेप्रोच की स्क्वाड की बात करें तो कश्यप के पास MP40, तो यहाँ पे रस मारा है आरएनएस ने साथ, या रॉकर पूरा होल्ड करके खेल रहे हैं और नाइटमेयर को पीछे से ले लिया यहाँ पे, आरएनएस आ चुके हैं पूरा सामने, दो बंदे दोनों के पास एक है। तो बंदे को देखा है हेडशॉट मारने की पूरी ट्राई, दोनों बंदों पे एक है, तो एक ही की जब रफ्तार चलती है बड़ी गंदी चलती है। और यहाँ पे क्या ही खेल रहे हैं आरएनएस, क्या ही हेडशॉट मारा है यहाँ पे, कवर अप आने में थोड़ी ही कमजोरी, और देख लिया ये दिमाग बोलते हैं, प्रेसेस ऑफ माइंड दिखाते हैं यहाँ पे।
बात करें तो 1-on-3 सिचुएशन। अरे इनके पास ही सारे बंदे हैं, तो बाकी बंदे हैं किधर? तो मैं बात करें, आरएनएस नॉक हो चुके हैं, तो रॉकर के नीचे बंदा और यहाँ पे डैमेज इतना खा गए हैं कि हेल्थ नहीं बची, और या ही यहाँ पे कूद काट के खुद ही मर चुके हैं एलिमिनेट। तो 1-on-3 और ये राउंड जाता हूँ नजर आता हूँ टीम डी के हाथों से। एक पल लगा कि टीम डी राउंड को ले जाएगी, पर क्या ही वापसी करती हुई नैप्रोज। 1-on-3 बंदा मुंह पे चढ़ा है और दिया है डैमेज अच्छा खासा और खत्म। 2-1 से आगे है नैप्रोज। ऑब्जर्वेटरी के अंदर और नरूटो कुन सीधा आगे की तरफ जाते हुए कश्यप इनके साथ साथ, तो इस बार नैप्रोज की स्क्वाड पूरी मजबूत आई है। और वहीं बात करें टीम डी की स्क्वाड है किधर, तो यहाँ पर रॉकर पीछे से जा रहे हैं और आरएनएस नीचे की तरफ ही होल्ड करके रखे हुए हैं। नाइटमेयर पीछे की तरफ, या ही पीछे की तरफ, यहाँ पे चल क्या रहा है? और यहाँ पे नाइटमेयर को प्रेशर में ले लिया गया, हेल्थ बहुत लो, रस होगा इनके ऊपर, क्या देखने वाली बात होगी। और रमेश्वर आ चुके हैं पूरा कर पूरा राज बिखेरने के लिए। डी नाइटमेयर 2 शॉट बंदा नॉक हो जाएगा और क्या ही हेड मारा, लाल खेल गए पूरा। और टीम डी की स्क्वाड मुसीबत में आती हुई और यहाँ पे एक और बंदा नॉक देखते देखते रॉकर बाहर घूम रहे हैं। वही बात करें आरएनएस भी नॉक हो गए तो अकेले रॉकर बच गए, 1-on-4 सिचुएशन। तो रॉकर देखते क्या कर पाते, 4 बंदों में अकेला बंदा मेरे ख्याल से कुछ नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे बात करें पूरी स्क्वाड बिखरती हुई नजर आ रही है टीम डी की। एक साथ बंदा आया मुंह के सामने, लाल मारा है लोंडे ने बिल्कुल, बहुत प्यारा, क्या ही खेल गया, क्या ही शॉट मारा, मजा आ गया देख के। 1-on-3 सिचुएशन थोड़ा हार्ड हो जाता है, बंदा आ रहा है पीछे से, ओए ओए होए होए भाई क्या जलवे बिखेर रहे हैं। और राइट में एक बंदा ऊपर और कवर अप और 3-1 से आगे नैप्रोज। अप्रोच की स्क्वाड 3-1 से बढ़त ले रही है गेम के अंदर, काफी अच्छा गेम दिखा रही है। जी हाँ, इस बार स्क्वाड चेंज है, 2 बंदे चेंज हैं और गेम भी चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे मॉकिंग वर्ड पूरा वेट कर रहे हैं, यहाँ पे पूरी स्ट्रेटजी करके आए हैं डीआई के ऊपर, पूरा पढ़ के आया गया डीआई और टीम डी की स्क्वाड को कि हर एक बंदा कैसे खेलता है टीम डी का। और यहाँ पे पूरी 3 बंदे एक साथ खेलते हुए टीम डी के। वहीं बात करें तो रॉकर बाहर की तरफ आ चुके हैं, तब इस बार घर के ऊपर डेजर्ट ईगल से पूरा प्रेशर बनाएंगे। यहाँ पे मॉकिंग वर्ड के हाथ में AK, जब तक AK है तो सब कुछ मुमकिन है। और वहीं बात करें कश्यप 777 और नरूटो कुन, तो गगनचुम्बी, अरे हाँ गगनचुम्बी रह गया इस गेम में, तो गगनचुम्बी ने अप्रोच की तरफ से इस बार देखने में जन्म आया। मैं कह रहा था कोई तो आया नहीं है, कौन बंदा है भाई, अपने गगनचुम्बी को हम भूल गया, तो गगनचुम्बी को शायद आया नहीं है इस बार। तो 4-on-4 सिचुएशन, देखा है बंदे को, डैमेज इतना दे दिया कि हेल्थ शॉकी भी नहीं है। और यहाँ पे अपने आपको हील ही करेंगे, काफी अच्छा प्रेशर बन चुका है स्टार्टिंग में नाइटमेयर के ऊपर। रॉकर पूरा होल्ड करके खेल रहे हैं, ऊपर बंदा है, यहाँ पे देख रहे हैं बंदा मारे जा रहा है पर कुछ कर नहीं सकते। और यहाँ पे यही अब ऊपर MP40 लेके खेलते हुए, बात करें नाइटमेयर को नॉक ले गया नीचे कंप्लीट कर ही देंगे। 3v4 सिचुएशन हो चुकी है, टीम डी की स्क्वाड पर मुसीबत आ चुकी है जनाब। यहाँ पे तमेश्वर क्या ही खेल रहे हैं, सामने है रॉकर और रॉकर ने मारे हैं 200 और इन्होंने भी 200, दोनों बंदे 2-2 गोली के और 40 कैल। और अपने आपको हील करेंगे, यहाँ पे हील करेंगे, कंटिन्यू हील करेंगे और वॉल तोड़ी जा रही है यहाँ पे कंटिन्यू। बंदे 2-2 आ चुके हैं, एक साथ 2-2 3-3 बंदे। और भाई क्या लाल मारा है, क्या ही खेल रहा है लौंडा, क्या ही खेल रहा है डी रॉकर, क्या ही खेल रहा है उबरता सुबरता सितारा, और क्या ही खेल रहा है। बंदे को बैकअप मिलना चाहिए, बस बंदा अकेला ही बजा रहा है यहाँ पे। बात करें क्या ही खेलता हो, क्या ही मूवमेंट, क्या ही रफ्तार, कमी नहीं बंदे के पास किसी भी चीज की। यहाँ पे बात करें 1-on-1 सिचुएशन, फिर से बंदा मुंह के सामने आ चुका है, मॉकिंग वर्ड पीछे से AK लेके आ चुके हैं शायद थॉमसन, तो थॉमसन बस AK। यहाँ पे एक बंदा बच गया, कौन बच गया, तमेश्वर और DI। यहाँ पे DI किधर है, रॉकर नीचे खेल रहे हैं, रॉकर के सामने है डबल बैरल, बंदा देखा है बंदे को और ले गए डबल किल के साथ, 3-2 से वापसी करती हुई टीम डी की स्क्वाड धीरे धीरे। रॉकर दोनों एक साथ जाने के प्लान बनाए, इस बार DI के साथ सपोर्ट में कमी नहीं है और 2-2 के पेयर में खेल रही है टीम डी की स्क्वाड। वहीं बात करें तो नैप्रोज की स्क्वाड किधर है, चारों बंदे गुच्छे की तरह एक साथ इकट्ठे हैं। यहाँ पे बात करें बंदे को बस देख रहे हैं कोई आए और हम मौके पे चौका मार दें। पूरी स्क्वाड आ चुके हैं पीछे की तरफ नैप्रोज, वहीं बात करें तमेश्वर पूरा पीछे की तरफ, वहीं मॉकिंग बर्ड AK के साथ और थॉमसन के साथ MP5 इस बार डी रॉकर पीछे की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे पीछे से प्रेशर बनाने की पूरी ट्राई होगी, लेफ्ट में बंदा है, देखा है क्या नहीं, और बंदा पूरा वेट कर रहा है। या मॉकिंग बर्ड वन ऑफ द बेस्ट और एक्सपीरियंस प्लेयर लगते हुए मेरे को, क्योंकि बंदे के अंदर 78 लेवल है और इस बात का तजुर्बा है भाई। और यहाँ पे पूरी जगह एक्सचेंज हो चुकी है, टीम डी नैप्रोज की जगह पर आ चुकी है, नैप्रोज टीम डी की जगह पर आ चुकी है। तो जनाब ये गेम को देखो, क्या रणनीतियां होती हैं, क्या साजिशें होती हैं टीमों की, क्या ही गेम चलता है यहाँ पे। दोनों टीमों ने अपनी जगह बदल दिया और नाइटमेयर के सामने बंदा है, हेल्थ बिल्कुल 20-30 की बची है और 50 की हेल्थ बची है। बंदे को देखा है, नाइटमेयर ने देखा है और नाइटमेयर को ले जाते हैं यहाँ पे। बात करें क्या ही खेल रहे हैं तमेश्वर, क्या ही खेल रहे हैं। फर्स्ट ब्लड कंफर्म, टीम डी का एक और बंदा नॉक देखते हुए और यहाँ पे रॉकर भी नॉक होते हुए नजर आ रहे हैं। तो RNS और यही रह गए, तो यही घर के ऊपर चढ़ते हुए काफी अच्छा, घर से अच्छा खासा बैकअप दे रहे हैं। यहाँ पे बात करें 2-on-3 सिचुएशन हो गई है, रॉकर नॉक है, क्या रॉकर को हील कर पाएंगे या नहीं, देखने वाली बात होगी। हील तो नहीं हो पाएंगे और चैप्टर क्लोज होता हुआ नजर आता हूँ यहाँ पे। 4-2 से बैटल अभी भी चलते हैं, RNS अभी भी होल्ड कर रहे हैं, इनको पता है बंदे को मैं देखूंगा। 2 शॉट मारे हैं अच्छे खासे और लाल, क्या ही लाल मारा है, कंप्लीट कर दिया RNS, क्या ही पोजीशन लेके खड़े थे, क्या ही रोके और कंप्लीट कर दिया। 3v2 सिचुएशन हो गई है, फिर से बंदे बच चुके हैं यहाँ पे और RNS की हेल्थ खत्म और देखते देखते अकेले DI रह गए और DI भी कंप्लीट और 4-2 से आगे नैप्रोज। मार्च इलेक्ट्रिक्स के अंदर और क्या ही खेल रही है नैप्रोज की स्क्वाड, जब से आई है एक नंबर गेम दिखा रही है, 4-2 से लीड कर रही है। बखूबी टीम डी की स्क्वाड पिछड़ती हुई नजर आ रही है, डी रॉकर 5 किल के साथ खेलते हुए। और वहीं बात करें RNS, अरे भाई ले गए चैप्टर क्लोज हो तो यहाँ पे देखते ही देखते टीम डी की स्क्वाड आ चुके पूरी मुसीबत में और यहाँ पे यही घर के पीछे घूमते हुए पूरा और नाइटमेयर क्या कर पाएंगे, बंदे 2-2 आएंगे और एक साथ ले जाएंगे। तो यहाँ पे एक साथ यूनिटी में खेल रही है
और वहीं बात करें टीम डी की स्क्वाड यूनाइट होकर नहीं खेलती हुई नजर आ रही है, सारे बंदे करके खेल रहे हैं और इसका फायदा उठा रही है टीम। यहाँ पर रॉकर पूरा होल्ड करके खेल रहे हैं, बंदे पे है एक 2v4 सिचुएशन फिर से आ गई है, तो रॉकर देखते हैं क्या कर पाते हैं यहाँ पर क्या कर। और भाई लाल तो यहाँ पर मॉकिंग वर्ड मौके पर चौका मारने में बिल्कुल देरी नहीं कर रहे, जैसा बंदा दिख रहा है लाल मार देना। यहाँ पर बात करें तो 2v4 सिचुएशन, बॉल तोड़ी जा रही है, कंटिन्यू प्रेशर बनाया जा रहा है अकेले रॉकर पे, तो रॉकर अकेले और यहाँ पे नॉक होने की कगार पे पूरे क्या ही बच रहे हैं, 30 की हेल्थ बची है बंदे की और अपने आप को कवर अप करेंगे जल्दी जाके अंदर और यहाँ पे क्या ही गेम खेल रहे हैं 2v4 और नॉक। तो यहाँ पे याही की तरह याही के सामने 1-on-4 सिचुएशन, बंदे को चकाचा डैमेज दिया है और यहाँ पे 1-on-4 में क्या कर पाते हैं, बंदे को देखा है और खत्म होने की कगार पे टीम डी 5-2 से आगे अप्रोच। 8वां राउंड स्टार्ट हो चुका है जो कि शिपयार्ड के अंदर बनाया और टीम डी की स्क्वाड 5-2 से बखूबी हारती हुई, बात करें तो काफी गंदा नैप्रोच की स्क्वाड क्या ही खेल रही है, अलग ही बूस्ट अप के साथ आई और तमेश्वर सीधा हाइट पर जाने का फैसला किया, 2-2 शॉटगन देखेंगे बंदे को, देखते सीधा मुंह पे लाल मारेंगे। यहाँ पे बात करें तो बंदे एक साथ रस मार रहे हैं, यहाँ पे याही की तरह और याही को ले लिया गया है। जी हाँ यहाँ पे 4v3 सिचुएशन, तो 2-2 बंदे एक साथ टारगेट कर रहे हैं, एक बंदे को काफी अच्छी यूनिटी देखने नजर आ रही है और बंदे को दिया है डैमेज दिया चका से रॉकेट ने, यहाँ पे फंस चुके हैं, सामने भी एक बंदा है, बंदा देखा है, अरे लाल भाई क्या ही मार रहा है डी रॉकर, क्या ही मार रहा है बंदा, क्या ही खेल रहा है 3v3 सिचुएशन, बंदे को सपोर्ट मिलना चाहिए। यहाँ पे बात करें तो नाइटमेयर हेल्थ हेलमेट खत्म और यहाँ पे हवा नहीं लग रही है। यहाँ पे बात करें आरएनएस सामने राइट में बंदा है पूरा होल्ड करके 2v3 सिचुएशन, टीम डी की स्क्वाड पर क्या भारी मुसीबत आती हुई इस बार जनाब, क्या ही खेल रहे हैं बंदे। और डी रॉकर के सामने फिर से बंदा 2 शॉट मार रहे हैं, बंदे को देखा है फिर से नॉक, क्या खेल रहा है यार ये बंदा, क्या खेल रहा है, वन मैन आर्मी की तरह परफॉर्म कर रहा है डी रॉकर, 7 किल के साथ 2v2 सिचुएशन हो गई है, मॉकिंग बर्ड हील करेंगे नारुतो कुन। और वहीं बात करें आरएनएस अपने आपको घर अपने कंटेनर में पैक है, तो यहाँ पे आराम से धीरे धीरे निकलेंगे यानी देखने वाली बात होगी। और यहाँ पे रॉकर नीचे उतरते हुए यहाँ पे हेड ना आ जाए उड़ा उड़ा था और मॉकिंग बर्ड ने एक और बंदे को समाप्त कर दिया है। यहाँ पे 1v2 सिचुएशन फिर से, तो रॉकर क्या ही खेल रहे हैं, अकेले 2-2 बंदों को क्या ठिकाने लगाया, मजा आ गया देख के। 1-on-2 बंदा सामने आ रहे फिर से लाल, यार क्या ही खेल रहा है यार ये बंदा, क्या ही भाई हैकर ही बोलूंगा मैं तो, क्या ही मार रहा है डी रॉकर, उभरता सुभरता सितारा। और यहाँ पे भाई बंदे ने बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ी अपने गेम प्ले में, बात करें दिखाने में एक तरफा गेम दिखाते हुए डी रॉकर 1-on-1 सिचुएशन आ चुकी है, तीनों बंदों को हेड और यहाँ पे ग्लिच में फंस गए तो इनके साथ धोखा हो गया और यहाँ पे सीन क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है और ये राउंड जाता हुआ टीम शिपयार्ड की तरफ से नैप्रोच को। 9th राउंड स्टार्ट हो चुका है जो कि क्लॉक टावर के अंदर बना है और काफी गंदा, यह क्या ही खेल रही है नैप्रोच की स्क्वाड और हेडशॉट उड़ते उड़ाते हेडशॉट आ चुका है स्टार्टिंग में, तो प्रेशर बना लिया गया यहाँ पे नैप्रोच की स्क्वाड पर, 6-2 से बखूबी लीड कर रही है, तो फिर वापसी करना थोड़ा हार्ड नहीं बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। और डी रॉकर 8 किल के साथ यार लड़के ने क्या ही परफॉर्म किया, लास्ट राउंड में 3 किल यार मजा सा गया, एक और बंदा नॉक तो डी आई 2 बंदों पर भारी पड़ चुके हैं नीचे की तरफ, 2 बंदों को एक तरफा ठिकाने लगा दिया है, मॉकिंग बर्ड आ चुके एक लेके। जी हाँ तो यहाँ पर 7 खेलेगी तो टीम डी की स्क्वाड कुछ अलग देखने में नजर आएगा, अगर जैसे बिखरेगी वैसे तैसा मिलेगा और यहाँ पर डैमेज देने की पूरी पूरी ट्राई बॉडी डैमेज, 1-on-3 सिचुएशन, एक और बंदा नॉक टीम डी का और रॉकर का एक और हेडशॉट आता हुआ 9 किल कर चुका है बंदा, क्या ही गेम दिखा रहा है डी रॉकर। और सामने 1-on-4 सिचुएशन, तो अकेले रह गए मॉकिंग वर्ड 1-on-4 सिचुएशन हो गई, काफी गंदा गेम चलता है। बात करें तो क्या होगा इस गेम के अंदर, मेरे ख्याल से राउंड टीम डी की स्क्वाड लेती हुई नजर आ रही है क्योंकि क्या ही गेम चल रहा है इस गेम के अंदर, 9 किल डी रॉकर की और इनका शायद लोचा होता हुआ नजर आ रहा है, वापस आ चुके हैं। वही बात करें डी आई पीछे से खेलते हुए पूरा होल्ड करके यहाँ पे डेजर्ट ईगल का फटका लगाने की ट्राई में, बंदे को देख रहे हैं भगा रहे हैं यहाँ पे मॉकिंग बर्ड अकेले और बंदा खत्म, और 6-3 से वापसी करते हुए धीरे धीरे टीम डी बस यहाँ पे नैप्रोच की स्क्वाड राइट से जा रहे हैं पूरा यही की तरह, यही लेफ्ट से जा रहे हैं तो नैप्रोच की स्क्वाड भी पूरा यूनिटी में खेल रही है, बंदे को ऊपर चलाने की पूरी साजिश होती हुई यहाँ पे डबल बैरल के साथ ऊपर जा रहे हैं, तो डबल बैरल से 2-2 शॉट मारने की पूरी पूरी ट्राई रहेगी यहाँ पे यही को अच्छा खासा डैमेज पड़ा है, क्या इनको कवर मिलेगा देखने वाली बात होगी। रॉकर आ चुके हैं बैकअप के लिए जल्दी जल्दी और देखते हैं क्या बैकअप दे पाएंगे, इनके सामने कौन है 3 नंबर बंदा कश्यप और सामने बंदे को लाल मार दिया है पूरा रस मारेंगे और 2 बंदे एक साथ यूनिटी में खेलते हुए इस बार ये होता है टीम वर्क। यहां पे बात करें तो इस बार देखने में नजर आ रहा है आरएनएस को नॉक ले गया अकेले गए फिर से मरे 3v3 सिचुएशन नाइटमेयर पूरा होल्ड करके खेल रहे हैं। बात करें तो मॉकिंग वर्ड क्या ही गेम दिखाते हैं यार 9 किल के साथ खेल रहे हैं मॉकिंग वर्ड भी 9 किल के साथ एक तरफा परफॉर्म कर रहे हैं लास्ट राउंड में भी इनकी ट्रिपल किल आई थी जब से प्याड का राउंड था तो रॉकर के चक्कर में देखने में चंद आया हमको और काफी अच्छा गेम चल रहा है 3v3 याही इनके सामने डैमेज अच्छा खासा दिया है तो पूरी स्क्वाड एक साथ यूनाइट होकर खेल रही है नाइटमेयर इनके साथ इनके फंसे हुए हैं और बंदे को देखा है पूरा टीपी पे होल्ड करके मारा है पर नहीं मार पाएंगे और बंदा ले जाएगा इनको बंदा ले जाएगा जी हां टीएक्स का इस बार पूरा होल्ड करेंगे और 2 शॉट मारेंगे और ले जाएंगे। यहां पे बात करें तो नाइटमेयर कंप्लीट और याही की बात करें तो पीछे से होल्ड करके खेल रहे हैं 2v3 रॉकर और याही बचे हैं तो देखते हैं कैसा गेम होने वाला है। यहाँ पे प्रेशर मार चुके हैं टीम डी की स्क्वाड क्यों यहाँ पे नैप्रोच की स्क्वाड जो आई है अलग ही मजबूताई के साथ आई है और अलग ही लेवल गेम के साथ आई और क्या ही गेम दिखाया। बात करें तो गेम चेंज ही हुआ पूरा का पूरा नैप्रोच की तरफ ने स्टार्टिंग से लीड लगी एंड तक वापसी नहीं करने दी पूरी टीम डी की स्क्वाड को 50-100 की हेल्थ यहाँ पे बची है और एक और बंदा नॉक तो यार रॉकर कुछ भी सही इस मैच को चाहे कोई भी जीते पर इस बंदे ने दिल जीत लिया क्योंकि बंदे ने
भाई भाई ये क्या ही मार रहा है, क्या ही मार रहा है, क्या ही मार रहा है। राउंड स्टार्ट हो चुका है और शिपयार्ड का ये राउंड और रॉकर क्या ही खेल रहा है। डीआई को लगता है एक पार्टनर मिल गया है जो कि काफी जोरदार जबरदस्त लगता हुआ क्या ही गेम दिखा रहा है। सिलेक्ट करके काफी मजा आया। जी हाँ, टीएमडी के प्रैक्टिस मैच में हमने इनको देखा था आप सभी ने लास्ट वीडियो में, तो क्या ही खेला था ये बंदा। उस वीडियो को नहीं देखिए तो वो देख के आओ, तभी इसको आके देखना क्योंकि कैसे ये टीएमडी में आया इसकी जल्दी वहीं से पता चलेगी आपको। 4v4 सीधा लेते हुए गेम को तमेश्वर पूरा होल्ड करके खेल रहे हैं, मॉकिंग वर्ड पूरा होल्ड करके खेल रहे हैं। इस बार इनको पता है अब राउंड नहीं देना है, टीम डी कम बैक कर सकती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है जनाब कि टीम डी हारे हुए मैच जीत जाती है और ये वही मैच तो नहीं लग रहा है मेरे को। चांस कम है पर हो भी सकता है, देखने वाली बात होगी। दोनों तरफ 4v4 पूरा मौके पर चौका मारने की तरफ दोनों स्क्वाड है, तमेश्वर पूरी स्क्वाड एक साथ। ये देखो यूनाइट यूनाइटनेस देखो, पूरी स्क्वाड ऐसे खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं पूरी स्क्वाड, चारों बंदे एक साथ खेल रहे हैं, बिल्कुल जगह नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल हवा नहीं दे रहे हैं। और टीम डी की स्क्वाड इस बार जोन मार चुके हैं तो तमेश्वर पर चौका मारने की पूरी फिराक रहेगी। क्या तमेश्वर किसी को ले पाते हैं, पूरा देख रहे हैं मौका किसी को ले पाए, पर यहाँ पर मॉकिंग वर्ड क्या ही खेल रहे हैं, इस राउंड के अंदर समाप्त करना चाहती है शायद नैप्रोच की स्क्वाड की। एक से ज्यादा एक और राउंड ना दिया जाए टीम डी की स्क्वाड को, बात करें तो दोनों तरफ एक के लेके खेल रहे हैं। इस बार पीक नहीं मिल रही है मॉकिंग वर्ड को, तो शॉर्ट रेंज में थोड़े से कमजोर नजर आते हुए बात करें तो कश्यप पूरा का पूरा और रॉकेट पीछे आ चुके हैं पूरा का पूरा। और यहाँ पे बात करें तमेश्वर नीचे आ चुका है, पूरी स्क्वाड अब नीचे ही नीचे। अब होने वाला है दंगल छोटे से इलाके में क्योंकि इतना छोटा जोन, अब तो फाइट ही फाइट होने वाली है। दोनों तरफ 4v4 सिचुएशन होने वाली है, कैसा गेम होने वाला है देखने वाली बात होगी। 4v4 यही पूरा होल्ड करके खेल रहे हैं, यही पूरा होल्ड करके खेल रहे हैं। इस बार गेम अलग ही देखने मजा आया, पूरी स्क्वाड होल्ड करके खेल रही है, जोन लास्ट तक छुपने वाला है। क्या कमबैक करने वाली है टीम डी, क्या ही गेम चल रहा है, क्या ही नैप्रोच खेल रही है, क्या ही बंदे लेके आई है इस बार नैप्रोच की स्क्वाड और क्या ही बंदे गेम खेल रहे हैं। एक हिंदुस्तान की स्क्वाड, एक नेपाल की स्क्वाड, जस्ट आपको बताया जाता है कि यहां से बिलोंग करते हैं और यहां से परफॉर्म कर रही है आप सबके सामने, तो देशों को रखे कोई गिला सिखवाना रखे भाई। तो यहां पर बात करें, यहां पर हम गेम प्ले को सपोर्ट करते हैं ना किसी और चीज को। और टीम देखें बिल्कुल जोन में आ चुके हैं, नैप्रोच की स्क्वाड ने क्या ही जोन लिया है अपने कंट्रोल में, काफी अच्छा देखने में नजर आया। और यहां पर सामने बॉल लगा दिया, तमेश्वर को दिया है फंसा और यहां पर फंस गए हैं शायद मॉकिंग वर्ड और यहां पर फंस गए हैं। क्या ही बॉल लगाई और या ही ने लगाई पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उससे पहले निकल गए। यहां पर नारुतो को उनकी एक किल आ चुकी है, डी आई कंप्लीट, एक और बंदा नॉक। यहाँ पे देखते देखते गेम चेंज होता हुआ नजर आता हुआ क्या ही फाइट ली डी रॉकर ने अकेले और दो बंदे नॉक हो गए हैं। अभी भी देखते देखते 2v2 और फंस गए और यहाँ पे गेम चेंज हो गया, गेम चेंज हो गया जोन में जाते जाते और बंदे दो दो मुंह पे एक साथ बॉल लगाई है और यहाँ पे नॉक। टीम डी की स्क्वाड हारती हुई नजर आई, यहाँ पे बात करें 7-4 से जीत गई अप्रोच की स्क्वाड अगेंस्ट में टीम डी, 12 किल रॉकर की और अगेंस्ट में बात करें 9 किल मॉकिंग वर्ड की। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी एवरीवन, लव यू ऑल।